गाइज, एक स्टूडेंट के अच्छे रिवीजन के लिए और अच्छे मार्क्स लेने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल होता है या सबसे बड़ा उसका एक तरीके से एक हथियार होता है, वो क्या होता है? नोट्स। तो नोट्स इतने ज़रूरी हैं और इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी स्टूडेंट की सक्सेस में, जो आप खुद ही समझ सकते हो। इसीलिए हर बच्चा ये चाहता है कि उसके नोट्स काफ़ी इफेक्टिव हो। अब वो नोट्स मैंने भी बनाए हैं, सभी टीचर्स ने बनाए हैं, हम लोगों ने अपने जब मैं पढ़ता था तब भी बनाए हैं, और आज जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो उनको भी बनवाता हूं। तो वो नोट्स आप मेरे बने बनाए भी ले रहे हो, डीसी ऐप से डाउनलोड सब बच्चे कर रहे हैं, कुछ टीचर्स भी प्रोवाइड करते हैं, बट मैं ये चाहता हूं कि आप अपने नोट्स खुद बनाओ। क्यों? क्योंकि जब आप अपने नोट्स खुद बनाओगे तो एक तो आप उसको खुद लिख रहे होगे, वो आपको रिविजन करने में मदद करेंगे, उसके साथ साथ आप उन सभी नोट्स की मदद से एक बहुत अच्छा रिवीजन कर पाओगे, एक बहुत अच्छी लर्निंग कर पाओगे, और आप बहुत अच्छा एग्जाम में स्कोर भी कर पाओगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक इफेक्टिव नोट्स, हाउ टू स्कोर वेल विद द हेल्प ऑफ दोज नोट्स। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल इन योर लाइफ। लेट्स बिगिन गाइस। किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करने के लिए आप उस सब्जेक्ट को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दो। सबसे पहला आपकी बुक, जो कि सबके पास होती है मोस्टली। सेकेंडली डिटेल्ड नोट्स, अभी मैं दोनों का डिफरेंस बताऊंगा। और थर्ड फ्लो चार्ट्स। देखो, हम लोगों के पास एक आज का टाइम ऐसा है जहां पे सिर्फ हार्डवर्क से कुछ नहीं होगा। यू शुड बी वेरी स्मार्ट व्हाइल डू योर वर्क, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है कि अगर आप थोड़ा सा भी लैक करोगे तो जो आपका फ्रेंड होगा ना, वो टॉप कर जाएगा, आपसे आगे निकल जाएगा। अब आपको क्या करना है, आप सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दो, आपकी बुक, डिटेल्ड नोट्स, फ्लो चार्ट्स। देखो, बुक आपके पास एक कंप्लीट स्टडी मटेरियल होता है जो आपको सब कुछ डिटेल में दे रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें नीड नहीं होती। इसके अंदर क्वेश्चंस हैं, भाई मुझे क्वेश्चंस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं। उसके लिए आप अपने खुद के नोट्स बनाओ। अब खुद के नोट्स कैसे बनाने हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। सबसे पहली बात, अगर आप कोई भी आंसर लिख रहे हो, कोई भी आंसर लिख रहे हो नोट्स में, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि डिटेल्ड नोट्स आपके पास यूज योर कॉमन लैंग्वेज। कॉमन लैंग्वेज का क्या मतलब होता है मैं आपको समझाता हूं। देखो, कई बार ऐसा होता है कि टीचर आपको कुछ पढ़ा रहे हैं, मैं आपको ऐसा कुछ पढ़ा रहा हूं, तो मैंने आपको इंग्लिश में एक सारी चीजें बता दी, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताते बताते कुछ चीजें हिंदी में जस्ट वैसे ही बता देता हूं कि हाँ ये चीजें हैं, बट मैं वो लिखवाता नहीं हूं। लिखवाता क्यों नहीं हूं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता होगी ये चीजें। बट जब एक स्टूडेंट लाइफ में बच्चा होता है तो उसको सब कुछ याद नहीं रहता, हम लोग भूल जाते हैं। अब क्या ये जरूरी है कि आप एग्जाम टाइम पे भी मेरे लेक्चर्स रिवाइज करोगे? नॉट नेसेसरी। हो सकता है आप अपने ट्यूशन टीचर्स के नोट्स रिवाइज करो, हो सकता है आप अपने स्कूल टीचर्स के नोट्स रिवाइज करो, कुछ भी हो सकता है। तो आपको अपने खुद के एक नोट्स ऐसे बनाने हैं जिसमें प्रॉपर प्रेजेंटेशन तो हो ही, लेकिन आपने वहां पे अपनी कॉमन लैंग्वेज यूज करके उसमें हिंदी में लिखा हो या गुजराती में लिखा हो या वट एवर योर लैंग्वेजेस, जो भी आपकी लैंग्वेज है, आप उस लैंग्वेज को यूज करो, वहां नोट्स पे लिख दो, हिंदी में लिख दो कि मेरे टीचर ने इसका मतलब ये बताया था। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड कई बार इंग्लिश वाली चीजें याद नहीं रखवाता, हिंदी में आपको याद रहेगा। तो ध्यान रखो, कॉमन लैंग्वेज को यूज करो और नोट्स में हिंदी में वो चीजें लिख लो कि हाँ इसका मतलब ये है। जब वो चीज आपके माइंड में सेट होगी ना, तो आप उसको अपने आप ही ट्रांसलेट कर सकते हो इंग्लिश में और एग्जाम्स में प्रेजेंट कर सकते हो। दूसरी बात, आपके पास डिटेल्ड नोट में कंप्लीट आंसर्स होने चाहिए। कंप्लीट आंसर्स का मतलब क्या है कि सपोज मैं बात करता हूँ आपको कि आप बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो और बिजनेस स्टडीज में आपने लिखा कि बिजनेस रिस्क का टॉपिक, सपोज आपने लिखा बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क के लिए मैं आपको ये कहूंगा कि आप दो बुक्स यूज कर लो या कोई भी दो बुक्स उठा लो, जिसमें कि एक बुक तो कंपलसरली आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए जो कि सीबीएसई से प्रेस्क्राइब्ड है। दूसरी आप कोई भी साइड बुक ले सकते हो जिसमें ऑलरेडी ही काफी कुछ शॉर्ट में दिया होता है। तो आपको क्या करना है, आपने जो हेडिंग्स बनाने हैं, ध्यान रखना, मेक श्योर कि आपके जो भी हेडिंग्स हो वो आप एनसीईआरटी से लो। ये ध्यान रखो, ये बहुत बड़ा एक रूल है, ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो, हेडिंग्स साइड बुक्स की नहीं लिखनी अगर आप सच में ट्वेल्थ बोर्ड्स में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो। देखो, इलेवेंथ में तो कुछ भी चलता है, इलेवेंथ में इट डजेंट रियली मैटर, क्योंकि आपके स्कूल में चेकिंग होनी है, आपके टीचर्स का जो मन करेगा जैसे करेगा वो कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्वेल्थ बोर्ड्स में
आपको सच में स्कोर करना है तो हेडिंग्स कौन सी होनी चाहिए एनसीईआरटी जब थ्योरी की बात हो रही है, ठीक है, तो हेडिंग्स उठा लो एनसीईआरटी की। उसके बाद जब आप पॉइंट्स लिख रहे हो तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द पॉइंट्स, एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट्स आपने कैसे करना है। देखो एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट्स आपको, जैसे सपोज आपने एनसीईआरटी की हेडिंग उठा ली, ठीक है, हेडिंग लिखने के बाद एक्सप्लेनेशन में आपका जो पॉइंट है वो 3-4 लाइंस में खत्म हो जाना चाहिए, ये ध्यान रखना, ये रूल है। अगर आपने एक लाइन में खत्म करा तो वो बहुत स्मॉल है, आपने 8 लाइन का लिख दिया तो वो बहुत बड़ा है, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। अगर आप सच में इफेक्टिवली बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपका आंसर कैसा होना चाहिए, सपोज 6 मार्क का क्वेश्चन है, 6 मार्क के क्वेश्चन में 6 पॉइंट्स होने जरूरी हैं। अब वो 6 पॉइंट्स के आपने जब नोट्स बनाए हुए हैं तो 6 पॉइंट्स के अंदर जब आप आंसर शुरू कर रहे हो, सपोज बिजनेस रिस्क का है तो बिजनेस रिस्क को पहले 2 लाइन में डिफाइन कर दो, खत्म। आप बता रहे हो उसके कॉजेस, तो कॉजेस में आपको पता है कि मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, नेचुरल, ह्यूमन, इकोनॉमिक, अदर्स, ये आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब आपने अपने कॉपी में, नोट्स कॉपी में सपोज नोट्स बनाए हुए हैं तो आप नोट्स किस तरीके से बनाओगे, आप सबसे पहले लिखोगे वहां पे क्या लिखोगे, आपका आंसर जो नोट्स बने होने चाहिए वो इस तरीके से बने होने चाहिए, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। ये ध्यान रखना कि आपको यहाँ पे कलरफुल पेन्स यूज करने हैं अपने नोट्स बनाने के लिए, उससे आपका मन करेगा पढ़ने का, थोड़े अट्रैक्टिव लगेंगे। अलग अलग पेन्स यूज करो, ब्लू, रेड, ब्लैक, जो यूज कर सकते हो करो, अलग अलग पेन से बनाओ। कॉजेज डाला फ्रॉम अ डिफरेंट पेन, डिफरेंट कलर पेन, ठीक है। उसके बाद आप यहां पे लिखना स्टार्ट करो इस तरीके से, देखो 1, 2, 3, 4 तो दुनिया डाल रही है, कुछ अलग अच्छे से नोट्स बनाओ, हेडिंग लिखो यहां पे अपना, ये आपने हेडिंग बना दिया पहले नोट्स में, हेडिंग लिख दिया, बात खत्म। इसके नीचे दूसरे पेन से 1, 2, 3 तीन लाइन में आपका ये प्रॉपर डेफिनेशन होना चाहिए आपके नोट्स में। अब ये जो डिफाइन लेना है ये कहां से लेना है समझो, एनसीईआरटी में कुछ की लाइंस होती हैं जो उस पॉइंट को डिफाइन करती हैं, वो लाइंस को हाईलाइट करो, वो प्रॉपर वर्ड्स ढूंढो कि हाँ ये शब्द अच्छा शब्द है, इसको अगर मैं यूज करूंगा या करूंगी तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, उन लाइंस को मार्क कर लो, उन लाइंस को हाईलाइट कर लो, वो ले लो। जो साइड बुक है उसकी मदद लो, उसमें देखो कौन सी लाइंस यूज करी गई है, दोनों का मिक्सचर बनाओ, एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेबल आंसर निकल के आएगा। वहां से ये तीन पॉइंट्स लिख दो, ठीक है। फिर तुमने सपोज ये जो है ये पेन अलग होना चाहिए आपके नोट्स में, ये पेन अलग होना चाहिए, ये डिफरेंट कलर होना चाहिए, एग्जाम में मत कराना वैसा, ये सिर्फ मैं तुम्हारे नोट्स के लिए बता रहा हूं क्योंकि आज का लेक्चर, आज का वीडियो कंप्लीटली डेडिकेटेड टू नोट्स। ये आपने हेडिंग बनाया, फिर आपको इसके आगे कुछ नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना, इसके आगे कुछ नहीं, फिर ये तीन लाइन में खत्म कर दो। इसी तरीके से फिर हेडिंग, फिर तीन लाइंस में खत्म कर दो। इस तरीके से आपके पास प्रॉपर ये 4 पॉइंट्स और 4 लाइंस में नोट्स हैं। अब इसका क्या बेनिफिट हो रहा है, देखो सबसे पहला बेनिफिट, आपने जब लिखा है तो आपके माइंड में ये चीज एक बार चली गई है, ठीक है। दूसरी बार जब आप इसको गो थ्रू करोगे तो मोस्टली काफी सारी चीजें आपके माइंड में होंगी, समझ रहे हो। इस तरीके से अपना पूरा एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ नोट्स बनाओ, पूरे नोट्स बनाओ। मेन बात ध्यान रखना कि अपनी हिंदी में कॉमन लैंग्वेज, ये आप तब भी बना सकते हो। एक तो होते हैं, देखो अब डिटेल में मैं तुम्हें बताता हूं कि दो तरीके के नोट्स होते हैं, दो तरीके के, एक होते हैं रफ नोट्स और एक होते हैं फेयर नोट्स, ठीक है। तो रफ नोट्स के लिए आप अपने पास जब भी आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, चाहे आप फेस टू फेस पढ़ रहे हो या फिर आप वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे या फिर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, एक रफ रजिस्टर हमेशा अपने पास रखो जिसमें आप फटाफट जब टीचर पढ़ा रहा है या एक्सप्लेन कर रहा है आप उसी टाइम नोट करो, इसका मतलब ये था, इसमें ये बताया था, इसमें ये एग्जाम्पल बताया था। हमारा माइंड ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ घर जाने तक रिटेन करेगा, और ना आपके पास इतना टाइम है कि आप वो चीजें बार बार देखोगे। लिखो, लिखने की हैबिट डालो, दो बेनिफिट होंगे, आपका स्पीड बढ़ेगा, दूसरा बेनिफिट क्या होगा कि आप जब लिखोगे तो माइंड में वो चीज़ नोट डाउन होती चली जाएगी, आपके माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा तो जब आप उसको गो थ्रू करोगे आपके लिए लर्न करना आसान है। तो यहाँ पे ध्यान रखो कि रफ में आपने सब कुछ लिखना है अपनी कॉमन लैंग्वेज यूज करते हुए, उसके बाद जब घर आ जाओ तो उसके फेयर नोट्स बनाओ। फेयर नोट्स इस तरीके से बनने हैं, कंप्लीट आंसर्स लिखो, मदद किसकी लोगे, एनसीईआरटी की एज वेल एज कोई भी एक साइड बुक ले सकते हो। मैंने बहुत सारी वीडियोस में अपने बहुत सारी बुक्स प्रेस्क्राइब करी हैं, अकाउंट्स की, बीएसटी की, इकोनॉमिक्स की, सब की। इवन आप ऐसा भी कर सकते हो कि एनसीईआरटी के साथ मेरे खुद के नोट्स यूज कर लो, उनकी मदद से बना लो,
ठीक है ना, ये आप इस तरीके से कर सकते हो। फेयर नोट्स जब आप प्रॉपर्ली बना दोगे तो अलग अलग पेंस यूज करना, अलग अलग पेंस यूज करना। अब सपोज यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड आया तो उसको अंडरलाइन कर दो या उसको किसी और पेन से हाईलाइट कर दो। ये बहुत जरूरी होता है। क्यों होता है? देखो हम लोगों के लिए ना स्टडी बहुत बोरिंग है, हम बहुत बोर हो जाते हैं, लेकिन अगर कलरफुल हो, डायग्राम्स बने हुए हो, तो आप उसको बहुत जल्दी से सारी चीजों को बना सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, माइंड में रिटेन कर सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये आपने बना लिया, अब ये आपके डिटेल्ड नोट्स बन गए। क्या सर इससे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे? नहीं, रुको, अब आपको एक चीज और चाहिए। एक चीज और क्या चाहिए? फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं? देखो हम जब एग्जाम दे रहे होंगे, बिफोर एग्जाम एक दिन पहले जब आपको दिखेगा कि बिजनेस स्टडीज में 12 चैप्टर हैं या 11 चैप्टर हैं, आप मुझे बताओ क्या आप 12 चैप्टर पूरे डिटेल में पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। आपके पास एक फ्लो चार्ट की कॉपी होनी चाहिए, आपके पास एक फ्लो चार्ट का रजिस्टर होना चाहिए। उसके अंदर आपने छोटा 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 सभी हेडिंग्स लिख देने हैं कि सपोज मेरे पास ये एक पूरा पेज है, ये एक पूरा पेज है। अब इस पेज में आप बिल्कुल शुरू करो ऊपर से, बिल्कुल स्टार्टिंग से छोटा सा लिख दो चैप्टर नंबर 1, बहुत छोटा चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं उनके चार्ट्स बना दो, सबके चार्ट्स बना दो। कि सपोज मैं बात करूं अगर क्लास 12th की, तो आपने लिखा मैनेजमेंट, मैनेजमेंट लिखा, छोड़ दो, कुछ नहीं करना। मैनेजमेंट में आपको पता है कि तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या तीन चीजें इंपॉर्टेंट है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, खत्म। इतना लिख के छोड़ दो। आपको पता है कि जब आप एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज करोगे, आप देखोगे मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। हो गया रिवीजन, खत्म। इसके बाद क्या करो? इसके बाद लिखो आप क्या, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स, फीचर्स में आप मेन आपको पता है कि 7 फीचर्स हैं, इसका एक चार्ट बना दो छोटा सा यहीं की यहीं, जिसमें कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 फीचर्स का एक एक वर्ड, जिससे आपका फटाफट रिवाइज हो जाए। हो गया, आपको पता है। इसके बाद इंपॉर्टेंस, आप यहां पे इंपॉर्टेंस लिख दो। इंपॉर्टेंस आपको पता है कि 6 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से इंपॉर्टेंस बना दो। उसके बाद आपको पता है कि हमने कहा कि नेचर, मैनेजमेंट का नेचर, तो नेचर का चार्ट बना दो, यहां कर दो इस तरीके से, यहां लिख दो आर्ट, साइंस, प्रोफेशन, बोथ, इस तरीके से। तो अब आपका आधे पेज पे या एक पेज पे वो चैप्टर पूरा हो गया, पूरा चैप्टर हो गया, सबके फ्लो चार्ट्स बन गए। मैक्सिमम कितने पेजेस पे? 12 पेजेस पे पूरी बुक आपने समराइज कर दी, 12 पेजेस पे। आप मुझे बताओ 12 पेज को रिवाइज करने में कितनी देर लगेगी भाई? आधा घंटा, एक घंटे में हो गया, सब रिविजन हो गया। और जो ये जो बुक है, पूरी की पूरी किताब है ये 400 पेज की, क्या आपको लगता है कि ये 400 पेजेस रिवाइज हो पाएंगे? नहीं होंगे भाई, नहीं हो सकते, और करने भी नहीं है। कोई बेवकूफ होगा जो 400 पेज रिवाइज करेगा एक दिन पहले? भाई नहीं करने, तुम पढ़ चुके हो ये सब, ये सब तुमने पढ़ लिया है, सिर्फ हमें एक रिवीजन चाहिए, रिवीजन, रिवीजन। आप ये बनाओ ना, आपका ये मैक्सिमम 10 से 12 पेज के फ्लो चार्ट होंगे, मैक्सिमम 10 से 12 पेजेस। इन 10 से 12 पेजेस को आप 5 से 6 बार, 5 to 6 times एक दिन पहले रिवाइज करो। एग्जाम वाले दिन दो घंटा पहले तो हर कोई उठ जाता है, 2 घंटा पहले उठ के 2 times सुबह रिवाइज कर लो। भाई साहब 8 रिविजन्स हो चुके हैं, 6 plus 2, 8, और पूरे साल में भी तो कुछ पढ़े होंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आप पॉइंट भूल जाओ। बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि सर हम पॉइंट्स भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। भाई याद तब रहेगा ना जब रिवाइज करोगे। गाने का भी याद करने की कोशिश करे, कोई सामने से अगर गाता बजा रहा होगा ना, तुम्हारा माइंड एकदम कैच कर लेगा, कहेगा हाँ इसकी अगली लाइन तो ये है। होता है ना ऐसा? बताना कमेंट में होता है या नहीं होता, सबके साथ होता है ऐसा, होता है 100%। अब आप लोग तो फिर वही बात है ना कि हाँ गाने तो एकदम आ जाएंगे, लेकिन ये सब तो काम करेगे नहीं भाई। स्ट्रैटेजिकली काम करो। जो लोग IAS PCS की तैयारी करते हैं ना, उनकी तुम लोग वॉल्स देखना, दीवारें देखना, उनकी दीवारों पे ये फ्लो चार्ट्स लगे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को एक डीप नॉलेज चाहिए और उनका माइंड फटाफट उसको कर। आप भी ये काम कर सकते हो, आप भी ऐसा कर सकते हो कि फ्लो चार्ट्स बना लो 12 और अपनी वॉल्स पे लगा दो अपने रूम की, आते जाते उसको देखो इसमें क्या है, देखते देखते चीजें सेट हो जाएंगी माइंड में। ये आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, छोटी छोटी बातें हैं बट इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस आपके माइंड में। ये सारी चीजें बहुत मेजर डिफरेंस ला सकती हैं और आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अभी टाइम सबके पास है, सब लोग घर में है, अगर नहीं भी होता तब भी, इवन हम लोग आज तक ये काम करते हैं। मेरे रूम में आज भी एक ग्रीन बोर्ड लगा हुआ है और उसके ऊपर मैं स्लिप्स लगाता रहता हूँ कि मेरा ये टारगेट है, मुझे ये करना है, ये करना है, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। मेरे पास इतना सारा काम है, मुझे याद नहीं रहता। तो याद रखने के लिए बेस्ट वे होता है ये फ्लो चार्ट्स।
इन्हें बनाना शुरू कर दो, सब बच्चे फ्लो चार्ट्स बनाओ, अच्छे से फ्लो चार्ट बनाओ और उनको रिवाइज करो। अब देखो आपके पास तीन चीजें हैं रिवीजन के लिए, सबसे पहली आपकी बुक, दूसरा ये डिटेल्ड नोट्स जिनसे आपको पूरा चैप्टर प्रिपेयर करना है। सपोज आप पूरा वीक लगा रहे हो, सपोज देखो आप पूरा वीक इन डिटेल्ड नोट्स को याद करने में लगाते हो, एक हफ्ता, मैं ये भी नहीं बोलता कि एक दिन में करो, सात दिन लगा लो, सात दिन लगा के एक चैप्टर तैयार हो गया, डन हो गया। आप मुझे बताओ अगर वन वीक में हो गया और आपके पास 12 चैप्टर हैं तो आपको 12 वीक्स चाहिए, 12 हफ्ते चाहिए, 12 हफ्ते कितने महीने में आते हैं भाई, 3 मंथ्स, 3 महीने में आप सब्जेक्ट प्रिपेयर कर सकते हो। फिर तुम लोग कहते हो कि मार्क्स नहीं आते, भाई करो तो एक हफ्ता। मेरे जो यूट्यूब वीडियोज है, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, चाहे वो 11th हो चाहे 12th हो, बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स के पूरी पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, एक ही दिन में तुम एक चैप्टर तैयार कर सकते हो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि 7 दिन लगाओ, डिटेल नोट्स बनाओ 7 डेज, जब संडे आएगा पूरा दिन 6 दिन काम करो मंडे टू सैटरडे, जहां संडे आया फ्लो चार्ट्स में लग जाओ। इस फ्लो चार्ट को, फर्स्ट चैप्टर का फ्लो चार्ट है सपोज इस तरीके से पूरा, उस पूरे फ्लो चार्ट को 8-10 बार रिवाइज कर लो संडे को, 8-10 बार कर लो, चैप्टर छोड़ दो, सेकंड वीक में आओ सेकंड चैप्टर शुरू कर दो। संडे पे जैसे ही आओगे तो पहले पहले वाला फ्लो चार्ट रिवाइज करो, फिर दूसरे वाले चैप्टर का फ्लो चार्ट 5-5, 6-6 बार रिवाइज कर लो। ऐसे रिवीजन करो, रिवीजन करो, इफेक्टिव नोट्स बनाओ। ये बुक की जरूरत ही नहीं है, नीड किसकी है, डिटेल नोट्स की जो आपको आंसर लिखने में मदद करेंगे, और फ्लो चार्ट की जो आपको पॉइंट्स रिटेन करने में मदद करेंगे। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके से काम करोगे ना तो हो नहीं सकता कि आपके मार्क्स ना आए। बात समझे, नोट्स बनाने कैसे हैं ये मैंने तुम्हें बताया, फ्लो चार्ट्स कैसे बनाने हैं ये मैंने तुम्हें बताया, आइडिया मैंने दे दिया, एग्जीक्यूशन आपको करना है। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को पूरा प्रॉपरली सारी चीजें डिटेल में समझ में आई होंगी। हेडिंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं, एनसीईआरटी से बनानी है, कीवर्ड्स हाईलाइट करने हैं अलग अलग पेन से, अलग अलग पेन यूज करो, रिविजन करो दबा के। कितने टाइम में कोर्स कर सकते हो, ऐसे कोर्स कर सकते हो, जल्दी से कर लो, यूट्यूब टेक्नोलॉजी का जमाना है। अगर तुम लोग आज ये वीडियो देख रहे हो, आज क्या डेट है मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, आई गेस 21 जून पे अगर आप देख रहे हो, और आप जुलाई से भी शुरू कर लो, चलो तो जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर तक सिलेबस खत्म, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। ये बनाओ, पेन चलाओ, देखो मेहनत लगेगी, हार्डवर्क लगेगा, लेकिन एक बार तुमने अगर कर लिया तो तुम लोग वो कुछ कर पाओगे जो कोई नहीं कर सकता। सितंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो गया भाई, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 6 महीने बचेंगे रिवीजन के लिए। रिवीजन करो, सैंपल पेपर्स करो, मैं खुद आप लोगों को कराऊंगा और ये सारे आइडियाज भी मैं आपको देता रहूंगा। मुझे बताओ आप लोग कि क्या आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लग रही हैं, कमेंट्स में जरूर बताना कि ऐसी चीजें आपको और चाहिए क्या, कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसी चीज पे काम करूंगा। और ये चैनल है ही इसीलिए कि जो भी प्रॉब्लम्स है आप लोगों की हम उस पे काम करें। सिलेबस के लिए तो हमारा मेन चैनल है ही, ये आपके प्रॉब्लम्स के लिए बनाया गया है। तो दैट्स ऑल, आज का वीडियो पूरा का पूरा नोट्स पे था, मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कर देना, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा, और सब बच्चों के साथ शेयर करना ताकि इस चैनल को भी हम उसी तरीके से ग्रो कर पाएं और काफी सारा नया कंटेंट आपके लिए ला पाएं एवरी वीक। थैंक यू सो मच।